गोरक्षनाथ महाराज का जन्म त्रिमूर्ति स्टूडियो आगरा वालों की तरफ से, दूसरा भाग आए बोलिए हरवीर महाराज की। किस सीरियल के श्रृंगार और हो बांगड़ के वीर, मन इच्छा पूरी करियो मेरे बाबा जा हरवीर। जिस समय बालक मच्छेंद्र को लेकर तार दत्ता अपने आंगन में आई है, नगरी में बुलावा लगवाया है, नगरी के लोग सार दत्ता को बधाई देने आने लगे हैं, मैया के घर में लाला आयो है, सार दत्ता के घर में लाला आयो है, खुशी का अंबार लगा है, नगरी के लोग भी बड़े प्रसन्न हैं। धीरे 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 समय बीत, भगवान नारायण का वो अवतार कामिक राम के उस मछुआरे के घर में धीरे धीरे पलने और बढ़ने लगे। एक दिन जिस समय बालक मच्छेंद्र की अवस्था 5 वर्ष की हुई है, अपने पिता कामिक से बोले हैं, पिताश्री बालक का नैतिक धर्म नैतिक कर्तव्य हुआ करता है, तो पिता के कार्य में हिस्सेदारी, पिता के कार्य में हाथ बटाए, आप सुबह से लेकर शाम तक नितप्रत हमारे जीवन यापन के लिए परिश्रम करते हैं, तो इसलिए पिताश्री मैं आपके साथ में आपके कार्य में हाथ बटा, और बड़े ही प्रेम से अपने पिता को समझाते हुए कहने लगा है बालक मच्छेंद्र, पिताजी कि तुम जाओ पिताजी काम करो, हम दिन भर घर में खेलते हैं, हम भी तो साथ चलें बबुला, संग में ही काम देखते हैं। करो हम संग रहे, तुम काम करो हम संग रहे, बबुला ये अदा तुम्हारी है, संग में रह कर कुछ हाथ बिटा, जीवन को सारे हमारी है। पिताजी हम आपके साथ जरूर जाएंगे, कामिक बोला लाला तेरी बुद्धि खराब है, तू छोटो है और बारो है, बेटा
तू छोटो है और बारो है, लाला प्राणन से प्यारो है, तुम घरे रहो हम काम करें, अबे कुमार उमर ते बारो है। जय हो महाराज, महाराज कहिए तब काम कहते रे बानी, हम चले तुम्हारे संग मुरवरा ने जिद एक ठानी। भैया आज जिस समय मच्छिंद्र नाथ को बार बार कामिक राम का वो बछवाहरा समझाने लगा, लाला पिता का कर्तव्य है पुत्र जब तक काबिल ना हो जाए तब तक उसकी देखभाल करना उसका नैतिक धर्म होता है, इसलिए अभी तुम छोटे हो और जब बड़े हो जाओ तो तुम हमारे साथ चलना, हमें कोई दिक्कत। मेरे भगवत प्रेम कामिक की बात को आज मच्छिंद्रनाथ ने नहीं माना। भगवान नारायण का अवतार माया स्वरूपी दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जिस समय बाल रूप में अपने पिता से कहने लगे, बोले पिताजी सत्य यह है, ये मैंने अपने मन में ठान लिया है कि आज मैं तुम्हारे साथ निश्चित हूं, मैं देखना चाहता हूं कि तुम क्या कार्य करते हो और मैं उस कार्य को कर सकता हूं कि नहीं। मछलियों के जाल को उठाया, टोकरे को हाथ में लिया, कामिक राम का वो मछुआरा आज अपने झोपड़ी से जिस समय निकला है, छोटी सी लपटी को हाथ में लेने के बाद में मच्छिंद्रनाथ भी पूछे आगे आगे कामिक है, पीछे पीछे मच्छिंद्रनाथ है। समुद्र के किनारे जिस समय आए हैं, कुछ सहयोगियों के साथ में लेकर कामिक ने जाल को समुद्र में फेंक, खाली टोकरे के पास में मच्छिंद्रनाथ बैठे हैं। हमारा पिता क्या करता है, केवल मन में यही जिज्ञासा, हमारा पिता क्या करता है मन में एक आज उस बालक के ये जिज्ञासा है। देखा है कामिक ने जाल में पकड़ी हुई मछलियां लेकर आया और उस टोकरे को उठाया और मछलियों को टोकरे में डाल, बोले बेटा मच्छिंद्र वैसे तुम्हारा कोई काम तो नहीं है लेकिन तुम एक काम भली भांत कर सकते हो, जो ये मछलियां हैं ना इन मछलियों को देखे रहना, ये मछलियां इस टोकरे से निकलने ना पा, ध्यान रहे एक भी मछली इधर की उधर हो गई ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मच्छिंद्रनाथ कहने लगे पिताश्री मैं तुम्हारी बात का हृदय से पालन करेंगे और ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो अपराध हो, आप ध्यान रखें। कामिक जिस समय दोबारा मछलियां पकड़ने को गया है, हृदय की जिज्ञासा ने मच्छिंद्रनाथ महाराज को उस टोकरे को उठाने के लिए जिस समय आतुर हुए, टोकरे को उठाया अंदर देखा है कि मछलियां जो हैं उस टोकरे में बेचैन और बेकरार हैं। देखा वो कामिक ने कि जल बिना होता ही उदास है, देखा कामिक ने अरे जल बिना होता ही उदास, मछलियां मन में ही घबराई,
अरे जल बिन होत यूता तम खिलिया मन में घबराई भैया क्या हो अरे दे कह रहे गुरबर अरे ज्ञानी के मछली मेरी माता पिता की मत जा पुरानी भैया अरे पिता मेरो पापी बन जाई और करे अधर्म के काम धर्म जग पास नहीं आई भैया अरे टोकरा हाथ उठायो है और लेके मछली मात समुदा के नीर बहायो है मच्छेंद्रनाथ ने टोकरे को हाथ में लिया वो पुत्र पुत्र नहीं है जो पिता के अपराध को रोके अगर पिता का नैतिक धर्म है तो पुत्र का भी कर्तव्य है कि पिता अगर गलत रास्ते पर है तो उसके कार्यों में बाधा बन जाओ यही धर्मार्थ पुत्र का कार्य है। महाराज मच्छेंद्रनाथ ने मछलियों को समुद्र में फेंक दिया। अरे हे प्रभु को आज मनाऊंगा और अपने बाबूल को आज मैं समुदा पे बताऊंगा भैया आज अपने पिता को मैं समुद्र पर समझाऊंगा कि पिताजी ये तुम क्या कर रहे हो। अरे निरपराध जीव जंतुओं को मारकर जिसका भक्षण करते हो। उसी समय कामिक दोबारा मछलियों को पकड़ के जाल में लेकर आता टोकरे को उठाया लाल लाल आंखें करते हुए मच्छेंद्रनाथ की तरफ देखे बोले क्या कर रहे हो मछलियां कहां हैं। हाथ जोड़कर बोला पिताजी पहले मेरी बात सुन लो। क्या बात है मछलियां कहां हैं। बोले पिताजी वो मछली मैंने समुद्र में फेंक दी। क्या मतलब मालूम है शाम को भोजन कहां से करोगे। ये हमारा व्यापार है। क्या व्यापार है पिताजी। मैं एक बात कहना चाहूंगा अपने पिता को बिठा कर कहना। संसार में जीव हत्या से बड़ा है संसार में कोई पाप नहीं। और भला इन मछलियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो इनके हत्या करने के बाद में तुम्हारा परिवार चलता है तुम्हारा घर। पिताजी मैं एक बात कहना चाहूंगा। क्या समझ आया।
एक काम करें, क्या के निर्दोष बिचारे ये कीड़े और क्यों इनको व्यर्थ सताते हो। अरे ये तो निर्दोष है कि निर्दोष बिचारे ये कीड़े और क्यों इनको व्यर्थ सताते हो। तुम करो प्रभु को भजन पिता, मैं आज तुम्हें समझाते हो। जी दुनिया में काम घनेरे हैं, कोई ठीक नहीं कर पाते हो। दिन भर जय काम तमाम करो, संजा को हरी मनाते हो। कहने लगे मच्छिंद्रनाथ पिताजी, लेकिन कामिक ने अपने बेटे को डांटते हुए कहने लगे, दोबारा अगर तुमने मछलियों को इधर से उधर तो समझे रहना मैं तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। मालूम नहीं है सारे दिन की तुमने मेहनत बर्बाद कर। मच्छिंद्रनाथ महाराज ने जब इस समय अपने पिता की बात को सुना है, उसी समय समुद्र के किनारे को छोड़कर भोलेनाथ की बात को याद आया है कि हमें भोले बाबा ने बताया था, जब जन्म तुम्हारा हो जावे तो कुछ दिन यहां धीरज धर के वद्रिका आश्रम में जाना। अरे हम यहां कहां व्यर्थ के जंजाल में पड़े हैं, हमारा तो आगे कार्य बहुत है। 5 वर्ष की अवस्था में मच्छिंद्रनाथ महाराज वद्रिका आश्रम में, दिन रात चलने के बाद जिस समय मच्छिंद्रनाथ वद्रिका आश्रम में पहुंचे हैं, वद्रिका आश्रम की वो देखा, ऐसा सुंदर आश्रम देखने के बाद में मंत्रमुग्ध हो गए हैं। सामने उच्च शिला पर महाराज दत्तात्रेय विराजमान हैं। दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ ने दत्तात्रेय महाराज के श्री चरणों में कोट वंदन किया। क्या बात है, कहां से आए हो? मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, महाराज मुझे भोले बाबा ने बिठाए हुए हैं और मैं आपकी शरण में आया हूं। भोले बाबा का नाम जैसे ही सुना है महाराज दत्तात्रेय ने मच्छिंद्रनाथ महाराज को अपने आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गए। प्रमाण मिला है, नात रहस्य भाग नंबर 2 में दत्तात्रेय महाराज ने मच्छिंद्रनाथ को अष्ट सिद्धियां, नव निधियां, 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, 33 कोटि देवताओं का आशीष दिलाया है।
वेद वेताल सभी सिद्ध कराए हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, जिस समय दत्तात्रेय महाराज ने के अधीनस्थ रहने के बाद में दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ सभी शिक्षा दीक्षाओं में परिपूर्ण हुए हैं, एक बात और याद आई है भोलेनाथ की कि बेटा मच्छिंद्र, तुम इस भारत भूमि के जगत के प्रथम नाथ पंत के दादा गुरु कहलाओगे और तुम्हारा काम है कि तुम नाथ पंत की स्थापना चल दिए। आज अपने साथ में कोई नाथ पंत का दूसरा साथी भी नहीं है। मच्छिंद्रनाथ अपने गुरु आश्रम से विदा ले प्रणाम करने के बाद में जिस समय भारत भ्रमण के लिए चले, किसेली संगी सर जटा और झोली भगवावे और कानन में कुंडल पड़े नाथ गुरु आदेश कि चल दिए नगरी में गोरवर किन चल दिए नगरी में गोरवर नाथ गुरु चलने लगे चल दिए नगरी में गुरवर हाथ कमन डल बगल चीमटा ए हाथ कमन डल कर में चीमटा चोली है डाले हुए चल दिए गली में गुर भर गुरु को तक जाने लगे गाने लगे हो चल दिए नगरी में गुरवर नाथ गुरु जाने लगे हरवीर महाराज की। आज मेरे भगवत प्रेमियों, मच्छिंद्रनाथ नगरी नगरी में भ्रमण किया है और प्रमाण तो यहां तक मिला है कि मच्छिंद्रनाथ ने भारत भूमि ही नहीं विश्व भ्रमण पर निकल गए लेकिन किसी को भी नाथ पंथ का कोई भी अनुयायी नहीं बना। जिस घर पर जाते हैं, जिस घर पर जाते हैं, झोली भगवा वेश और कानन में कुंडल जैसे ही देखे एकदम से लोग कहने लगते हैं, अरे महाराज ये क्या वेशभूषा है, अरे कौन से संत हो। कोई भी नाथ पंथ का अनुयायी बनने के लिए नहीं। मच्छिंद्रनाथ जिस समय भारत भूमि में भ्रमण किया है, नाथ पंथ का कोई अनुयायी बनने को तैयार नहीं है, सोचने लगे अब भला मैं करूं तो करूं क्या। एक विचार मन में आया, एक काम करते हैं। एक मन में विचार आया
एक काम करते हैं, अब इसका उपाय हमें भोलेनाथ ही बता, इसका उपाय हमें भोलेनाथ ही बताएंगे। वो जैसे ही बताया कि इसका उपाय हमें भोलेनाथ बताएंगे, आज उस एक वट वृक्ष के नीचे आसन को जमायो है मच्छिंद्रनाथ, भोले बाबा के ध्यान में मग्न हुए। भोले बाबा को मनाने लगे, परसें बीत गई, भोले बाबा नहीं। मच्छिंद्रनाथ ने हाथ में डमरू उठाए है, खड़े हो गए हैं, भोले बाबा को रिझाने लगे हैं, मनाने लगे हैं। भोले बाबा किडिम डिम किडिम किडिम डिम 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 और डमरू की तान बजाने लगे, और थिक थिरक थिरक थिक थे थे ओ भोला को आज मनाने लगे। क्या हो डिमक डिमक डिम 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 डिमक डिमक डिम 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 डमरू की तान तुनाने लगे, थिक थिरक थिरक थिक थे 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 भोला को आज मनाने लगे। महादेव दर्शन को लोभ दे उठायो है, क्या हो महाराज महाराज वहां पे आए गए तपधारी, और कर में डमरू लिए खड़े हैं भोला भंडारी। भैया डमरू लिए हुए तब आई गए तपधारी, जय हो। ए,
मच्छेंद्रनाथ ने जैसे ही देखा, लेकिन साथ में देखा क्या है कि महाराज दत्तात्रेय भी, दोनों ही गुरुओं को दंडवत प्रणाम किया मच्छे। और जब दंडवत प्रणाम किया है, भोले बाबा कहने लगे क्या बात है, हाथ जोड़कर मच्छेंद्रनाथ कहने लगे, बोले महाराज आपने हमसे कहा था कि नाथ पंथ का प्रचार और प्रसार, भारत भूमि में नाथ पंथ की स्थापना करो, नाथ अनादि हो जाए, लेकिन हे भगवान मैं इस नाथ पंथ की स्थापना करने में असमर्थ हूं, भारत भूमि में नाथ पंथ की स्थापना असंभव है। भोले बाबा कहने लगे मेरा दिया हुआ वचन कभी व्यर्थ और निरर्थक नहीं जा सकता है मच्छिंद्रनाथ, फिर धारण करें। सत्य यह है अब वो समय आ गया है जो मैया पार्वती ने हमसे कहा था कि ऐसी कोई लीला दिखलाओ नारी का हो अधिकार नहीं, ऐसी कोई लीला दिखाओ जिसमें नारी का कोई अस्तित्व ना हो, नारी का कोई अधिकार ना हो, क्योंकि पुरुष बगैर स्त्री के नहीं। हमसे पार्वती ने यो भी कहा जिस मैंने काली का रूप धारण किया तो मुझे किसी पुरुष की कोई आवश्यकता नहीं हुई। आज भोलेनाथ ने उसी समय ध्यान लगाया है, कहां क्या वो निराकार है निरा ब्रह्म, जो ज्योति रूप कहलाता है और अलख निरंजन ओमकार, शिव रूप जगत बतलाता है। महाराज महाराज की भोला कहन लगे हैं बानी, और दैया भभूति एक सुनो तुम बेटा ओ ज्ञानी, भैया भोले बाबा ने अपनी झोली से एक भभूति निकाली, मच्छेंद्रनाथ से बोले बेटा मच्छेंद्र इस भभूति को तुम ले जाओ और बंगाल प्रांत में कनकगिरी नगरी में एक सरस्वती नाम की ब्राह्मणी मैया जो निसंतान है, तुम्हारे आशीर्वाद से उस मैया के उदर से ऐसा पुत्र पैदा होगा जो लोक हितकारी तो होगा ही जगत कल्याणकारी होगा, लोक हितकारी तो होगा ही जगत कल्याणकारी होगा, और वो तुम्हारा शिष्य बन जगत में तुम्हारे नाम को ऊंचा करेगा। मेरे भगवत प्रेमियों पल की देर नहीं लगाई है दादा गुरु मच्छेंद्रनाथ ने भोले बाबा को दंडवत प्रणाम किया है और सीधे आज
बंगाल प्रांत में कनकगिरी नगरी के लिए। नगरी नगरी में अलग जगह यो है। और जिस समय मैया सरस्वती के दरवाजे पर आए हैं, कुंडी को खटखटाया, अलख निरंजन माताम भिक्षाम देही। मैया सरस्वती बाहर, ले जोगी के लाला। मैया ने मुख को फेर लिया, मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, मैया ये क्या कारण है, तेने मुख क्यों को फेर लिया है? नहीं नहीं मैया, सत्य सत्य बता। आज वो ब्राह्मणी कहने लगी, बाबा सत्य का अगर मैंने तुम्हें बताया तो सत्य का कोई उपाय नहीं है, और जब कोई उपाय नहीं है तो हम अपने जीवन को बार बार वर्णन करने से अपने जीवन को और दुखी करने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं। मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, वो भोरी मैया तुम अभी जानती नहीं हो, क्यों कि संतों की बाणी को मैया अरे संतों की बाणी को तू इतने हल्के में ले रही, कि संतों की बाणी को मैया तू बिरथा मती समझ लेना। अरे संतों की वाणी है मैया, हम संत हैं। मैया कहने लगी, बाबा अगर तुम दुख दर्द हरण करने वाले हो तो मेरा एक निवेदन है, एक प्रार्थना, या मैं निसंतान हूं, अबला हूं, मेरे कोई पुत्र, मैं निसंतान हूं अबला हूं मेरे कोई पुत्र नहीं है, और बगैर पुत्र के मेरा जीवन व्यर्थ है। सामने मैया खड़ी है, हाथ जोड़कर कहने लगी है मच्छिंद्रनाथ से, बाबा मेरे पुत्र नहीं हो, तेरी यदि कृपा हो जाए, मेरे पुत्र नहीं हो, तेरी यदि कृपा हो जाए तो बाबा मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं। क्या? मैं ये कहना चाहती हूं बाबा, कि मेरे कुल की बेल चला दे रे जोगी, मानू एहसान मेरे, मेरे कुल की बेल जला दे रे जोगी, मानू एहसान मेरे, जय हो। अरे दीन बंधु दया के दाता बन जा मेरे भाग्य विधाता, मेरा उजड़ा फूल खिला दे रे जोगी, मानू एहसानो मेरा, मेरा मेरे कुल की बेल चला दे रे जोगी, मानू एहसानो मेरे, अरे मैं दुखिया हूं कर्म की मारी, बाज कहे जा दुनिया सारी,
पे अपनी कृपा दिखा दे रे जोगी मानू एहसान मेरे सुंदर मेरे कुल की बेल चला दे रे जोगी मानू एहसान मेरे कुल की बेल चला दे रे जोगी मानू एहसान मेरे कुल की मैया बार बार कहने लगी मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं है और सत्य तो ये है मेरे भगवत प्रेमियों पुत्र का दुख उस मैया से पूछो कि जिसके कोई पुत्र ना हो कि पुत्र की कामना क्या हुआ भैया का दुख तो उस बहन से पूछो जिसके भैया ना हो रक्षाबंधन के दिन कोई कलाई राखी बांधने के लिए नहीं मिली और पिता का दुख तो उस पुत्र से पूछो जिसने जन्मने के बाद अपने पिता का चेहरा ना देखा हो कि पिता का साया क्या होता है मैया का दुख तो उस लाड़ले से पूछो जिसने जन्मते ही अपनी मां को खो दिया हो कि मां का प्यार क्या आज वो वे मैया एक पुत्र की कामना के लिए मच्छिंद्रनाथ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है बोले गुरुदेव तो ये है आपकी यदि कृपा हो जाए तो मैं एक पुत्रवती हो जाऊंगी। मच्छिंद्रनाथ महाराज ने उसी समय झोली में हाथ डालो है के झोली में हाथ बढ़ा करके और बाबा ने भभूति खोली है और इसका से बिना तुम करो मात भर जाए तुम्हारी झोली है क्या हो बाबा ने भभूति खोली है इसका से बन तुम करो मात भर जाए तुम्हारी झोली है के बाद आए क्या हो हम बारह बरस के बाद आए बेटा चेला करके देना हम नात पंथ की चाहते जग में तो नाम अमरे करना जय हो मैया सरस्वती को मच्छिंद्रनाथ ने भी भभूति दिए हैं और कहने लगे हम 12 वर्ष बाद आए इधर मच्छिंद्रनाथ ने तो जो है भभूति को देखकर चले गए और इधर सरस्वती मैया ने आज अपना आंगन
बूढ़ा रोहे और बड़े ही प्रसन्न उत्साहित मन से आंगन में डोल रही है, मैं स्नान करने के बाद में भभूति खाऊंगी, बाबा की कृपा होगी, मेरे पुत्र होगा। मन में बड़ी प्रसन्नता है, बहुत उत्साह है, बड़ी भाव है। और इधर उस सरस्वती मैया की एक पड़ोसिन ने जिस समय देखा छत से, ये ब्राह्मणी मैंने अपने जीवन में इसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी, ये ब्राह्मणी मैंने अपने जीवन में इसको कभी खुश नहीं देखा, ये वही ब्राह्मणी है जो आज आंगन में टहल टहल करके गीत गुनगुना रही है। हमें तो ऐसा लगता है इस ब्राह्मणी को कोई ऐसा खजाना मिल गया है जिससे इसका मुस्कराना मेरे जीवन की उदासी आ जाएगी, मेरे जीवन में खिली हुई फुलबगिया जो है वो मुरझा जाएगी। क्योंकि सत्य यह है, जीवन में व्यक्ति अपने दुख से कोई दुखी नहीं है, तब दुखी है तो पड़ोस वाले के दुख से दुखी है। उस मैया ने जब देखा है कि सरस्वती नाम के वो ब्राह्मणी मन में गुनगुना रही है, जो कभी उसके आंगन में नहीं आई, जब कभी उसने हमदर्दी नहीं दिखाई, आज वो पड़ोसी मैया सरस्वती के फाटक को खटखटाया है, बोली ओरी बहना क्या बात है, आज तेरो मन बड़ा प्रफुल्लित है, बड़ी खुश है, हमने सोचा हमारी सखी है, हमारी पड़ोसिन है, हम खुशी में थोड़ा हिस्सेदारी ले लें। क्या बात है, क्यों खुश हो, भोली भाली वो ब्राह्मणी नहीं समझ पाई पड़ोसिन की उस चाल, कहने लगी बहन आज एक साधु बाबा है। हाँ क्या था, बताया कि एक साधु बाबा आया, एक साधु बाबा आया, उसने आके अलग जगाई, भभूति कुछ खात दे गया, भभूति कुछ खात दे गया। आकर के अलग जगाई, भभूति कुछ खात दे गया, भभूति कुछ खात दे गया। जय हो, जय हो। उसने कहा तेरे होगा बेटा, आज बहन मेरो भर गयो बेटा, मेरे मन आनंद है छाया, मेरे मन आनंद है छाया, भभूति कुछ खात दे गया, भभूति कुछ खात दे गया। जय हो, जय हो। जैसे ही ब्राह्मणी की बात को पड़ोसी ने सुना, बोली मैं समझ गई, क्यों, बोले तुमसे पागल इस संसार में दूसरा कोई नहीं है, क्यों, बोले एक बात बताओ, ये बाबा वाली दुकान है ये तो चलती फिरती है, बोले क्या मतलब, बोले ये बाबा ने की दुकान चलती फिरती, उस बाबा को जानती हो, बोले नहीं, बोले उसका कोई पता ठिकाना है, बोले नहीं, बोले इसकी क्या गारंटी है कि लड़का ही होगा। ब्राह्मणी के मन में मानो हथौड़ा लगा और बोले एक बात बता दें, तुम तो बहुत भोली हो और तुम कहीं धोखे से मर गई तो पंडित जी रो रो के मर जाएंगे। बोले फिर,
बोले सत्य एक बात हम तुम्हें आज समझाई देते हैं। और उस पड़ोसी ने ब्राह्मणी मैया को समझाते हुए बताने लगी, तुम्हें मालूम नहीं है इन बाबाओं के चक्कर में पड़ने वाली कोई बातें नहीं है। क्यों? कि बाबन के बुरे बबाल बहन क्यों और मत तेरी बोराई, कि बाबन के बुरे बबाल बहन क्यों अरे मत तेरी बोराई, और जो कुए हो वे जहर सकीनी खाए सकी मर जाई। बाबन के पूरे बबाल बेन मेरी मत तेरी बहराई, और जो कयो वे जहर तकीरी खाए बेन मर जाई। बहना अरे ये जहर होगा तो तुम मर जाओगी, इसलिए सभभूति को मत खाना। मेरे भगवत प्रेमियों सत्य तो ये है कि विनाश काले विपरीत, जब जीवन में व्यक्ति का विनाश होता है तो उसकी परमात्मा बुद्धि को पहले हरण कर लेता है। जाय विधाता कारण दुख देई वो बाकी मत पहले हरण। आज वही हाल मैया सरस्वती के साथ में है। किल्लई भभूति हाथ में ओ कौतुक कीनो जाय, और गड्ढे के ये गड्ढेर में वो आई भभूति डार। धीरे धीरे समय बीतीत हो, धीरे धीरे समय बीतीत होता गया। एक दिन का जिक्र है, जिस समय 12 वर्ष पूरे हुए हैं, इधर महायोगी मच्छिंद्रनाथ को आभास हुआ 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, हमें चलना चाहिए, हमें चलना चाहिए। 12 वर्ष पूरे भ्रमण करते करते उसी सरस्वती नाम की ब्राह्मणी के दरवाजे पर आए, और जैसे ही सरस्वती नाम की दरवाजे पर ब्राह्मणी के आए हैं, आवाज लगाई है अलख निरंजन माताम भिक्षाम देही। मैया ने जैसे ही फाटक खोला और 12 वर्ष वाला वही साधु देखा, फाटक कुपने बंद। मच्छिंद्रनाथ महाराज ने धक्का दियो, वो अबला स्त्री मच्छिंद्रनाथ की ताकत से फाटक तो खुल गए, सामने मैया खड़ी है। अरे ओरी भोरी भैया, अरे लाला देना ना देना, लेकिन अपने लाला को दिखा तो देना। साधु महाराज को जैसे ही पहचान, आंखों में अश्रु धारा बहने लगी है वो ब्राह्मणी के। बाबा क्या बात है, क्यों रो रही है, क्या बात है, क्यों रो रही है? बोले गुरुदेव सत्य कुछ और, क्या बात है, अरे इतनी दुखी क्यों है? रुदन करती हुई आंखों में अश्रु धारा बहने लगी है आज उस मैया के। बोली गुरुदेव अरे नहीं खाई, नहीं खाई, अरे नहीं खाई रे नहीं खाई भभूति तेरी नहीं खाई। नहीं खाई, नहीं खाई रे नहीं खाई भभूति तेरी नहीं खाई। बाबा
तेरी भभूति नहीं खाई। क्यों नहीं खाई? अरे एक सखी निर जोरे आई, हम को बाबा तो बहकाई, मेरे समझ कर छू नहीं आई। गुरुदेव और नहीं खाई, नहीं खाई रे, नहीं खाई भभूति, नहीं खाई बाबा। जय हो। आज जैसे ही मैया रोदन करने लगी है, बताया है मच्छिंद्र नाथ, कहने लगे वो भभूति है कहां भला, मैं गड्ढे के ढेर में डाल के आई हूं, मेरे साथ चलो। आज नगरी के लोग मैया सरस्वती और मच्छिंद्र नाथ महाराज जिस समय उस गड्ढे के ढेर के पास में आए हैं, देखा क्या है कि उस गड्ढे के ढेर से अरे अंकुर आए फूट, और सिद्ध की हुई भभूति वो कैसे पड़ती। आवाज लगाई है मच्छिंद्र नाथ ने, बेटा बेटा गोरक्ष, और जैसे ही आवाज लगाई है नीचे से एक आवाज आई है कि गुरुजी मोए बाहर काढ़ ले, गुरुजी मोए बाहर काढ़ ले, हुई गए हैं मोको 12 साल, गुरुजी मोहे बाहर काढ़ ले, हुई गए हैं मोको 12 साल। तेरी भभूति को खेल निरालो, जन्म मिलो कुंडली ही ने पालो, मैं गुरबर को लाड़ लड़ा लो। जय हो। गुरु जी मोए बाहर काढ़ ले, हुए गए हुए मोको 12 साल। जय हो। गुरु जी मोए बाहर काढ़ ले, बाहर काढ़ ले, गए मोको 12 साल। जय हो। बोल जा हरवीर महाराज की। आज जैसे ही आवाज लगाई है गुरुदेव हमें बाहर काढ़ लो, अपने शिष्यों को आदेश दिया है मच्छिंद्र नाथ ने
और उस जिस समय जगह को खुलवाया है। मेरे भगवत प्रेमियों देखा क्या है, शिव स्वरूप 12 वर्ष सुंदर सकुमार एक बहुत ही प्यारा सा बालक उस जमीन में उस गड्ढे के ढेर में प्रकट हुआ। मेरे भगवत प्रेमियों जिस समय उस गड्ढे में वो बालक प्रकट हुआ है, मच्छेंद्रनाथ अपने प्रिय शिष्य को देखकर सर्वप्रथम सर्वोच्च प्रणाम और सारी नगरी जयघोष करने लगी है। मच्छेंद्रनाथ कहने लगे, गांव माने इंद्रियां रक्षवाने रक्षा करने वाला, इस जगत में जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे वही गोरक्ष है। गोरक्षनाथ महाराज कहने लगे हैं, अहमेव च शिव गोरक्ष योग मार्ग पर, जो पुराण में प्रमाणित है कि मैं ही शिव हूं और मैं ही गोरक्ष हूं, हम में और शिव में कोई भी परे नहीं है। वही ईश्वर निराकार, वही अलख निरंजन ज्योति रूप, वही शिव जो शक्ति के अधीन, शक्ति जिसके अधीन है, उसी का प्रारूप आज गोरक्ष रूप में उसा कनकगिरी नगरी में प्रकट हुआ। देवतागण खुशी मनाने लगे हैं क्योंकि इस संसार में जो आया वो चला गया, लेकिन महायोगी गोरक्षनाथ आए तो हैं, वो आज भी विद्वान है, क्योंकि वो साक्षात स्वयं ईश्वर हैं, क्योंकि वो स्वयं शिव हैं, क्योंकि वो स्वयं ज्योति रूप हैं, निराकार से साकार स्वरूप हो। मेरे भगवत प्रेमियों देवतागण खुशियां मनाने लगे हैं, बधाइयां गाने लगे हैं, आए हम भी आज अपने गुरु को मनाते हैं कि खुल गए भाग्य हमारे पुरदेव, कि खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव बिराजे, खुल गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे, जय हो, बोल गोरखनाथ महाराज। गए भाग्य हमारे पूरे देव पधारे, जय हो, ए तुम तो गुरु जी मेरे सूरज चंदा, ए तुम तो गुरु मेरे सूरज चंदा, और हमें नौलख तारे गुरुदेव पधारे, जय हो, तुम तो गुरु जी मेरे समहद रूप हो,
ओए तुम तो बाबा जी मेरे समोदय रूप हो। और हम हैं नदिया नवारे हो गुरुदेव पधारे हाँ। भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे ए तुम तो गुरुवर जी मेरे शिव जी रूप हो। तुम तो गुरु मेरे शिव के रूप हो। ते तुम्हारे गुरुदेव पधारे हो। ये जगत के पालनहारे गुरुदेव पधारे। ओए खुले गए भाग्य हमारे गुरुदेव पधारे। हरवीर महाराज की बाबा गोरखनाथ महाराज की।